इस कड़ाके की ठंड में मेरा मन मनाली या मसूरी जाने का था, पर ऐसा है कि जब मन होता है तब पैसा नहीं और जब पैसा होता है तब मन नहीं, तो इसी मन को मारकर मैं इनके साथ इंदौर जा रहा हूँ। और एक ये है कि बेचारे कुत्ते के सामने पूरा लड्डू अकेला चबा गया। ऐसा लगा कि तारक मेहता के शो की तरह इसके दिल में से भी दया चली। दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का मजा भी है और डर भी लगता है, साला जब देखो विदाउट टिकट स्लीपर में चढ़ा देते हैं। पर देवेश का चश्मा सफेद से काला किस लिए हो गया? समझा नहीं, तू नहीं समझा। तो पूरे रास्ते टीटी का खौफ खाकर हम पहुंच गए द सिटी ऑफ महाकाल उज्जैन, जहाँ जाकर हमेशा की तरह हमने महाकाल के दर्शन किए। पर ठंड को देखकर ऐसा लगा कि काश मुझे दो दिन पहले आना चाहिए था। पर तुरंत हम इंदौर की बस में बैठ गए। वैसे इंदौर से मेरी कुछ खास यादें रही हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, इफ यू नो यू नो। पर हमारे बनिए के दिल से ख्वाहिश थी इंदौर घूमना, तो हम कैसे मना करते। तो मैं इन्हें पहले राजवाड़ा ले गया किला घुमाने के लिए। इसके बाद यहाँ से मैं इन्हें अपनी फेवरेट लाल बाल्टी की कचौरी खिलाने ले गया। इसी के थोड़े पास में मेरा स्कूल था जहाँ भयंकर सन्नाटा फैला हुआ था। तो हम वहाँ से आगे बढ़े और सराफा मार्केट आ गए। अब मेरे अकॉर्डिंग इंदौर केवल जगह नहीं है, फूड व्लॉगर्स का कंटेंट है। साला जिंदगी खत्म हो जाएगी पर यहाँ खाने की वैरायटी नहीं। यही हाल 56 में भी हुआ। पर रात के करीब 10 बजे हमने नियोगो की ईवी बस पकड़कर फुल एसी दिखाते हुए